हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन नंबर 14, रिमेनिंग पार्ट सॉइल। वी नो दैट सॉइल इज़ अ बेसिक रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। अपने को मालूम है स्टूडेंट्स कि एग्रीकल्चर का जो बेसिक रिसोर्सेस है वो कौन सा है? सॉइल। बिसाइड द एग्रीकल्चर, सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर के लिए सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंस के पार्ट्स हैं। सॉइल इज अ थिन लेयर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये जो सॉइल है वो अर्थ के ऊपर का थिन लेयर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर का थिन मतलब पतला सा क्या है, लेयर है। सॉइल इज रिलेटेड टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज द सम वे एज द एप्पल विद इन द स्किन। जैसे स्टूडेंट्स एप्पल के साथ उसकी जो पतली रेड कलर की स्किन जुड़ी हुई है, ऐसे ही अर्थ के ऊपर सॉइल एक पतला सा क्या है, उसकी पील है मतलब एक पतला सा लेयर है। द थिन लेयर ऑफ द क्रस्ट द अर्थ इज कॉल्ड द सॉइल। ये अर्थ का जो पतला सा लेयर क्रस्ट मतलब टूटा है उसको बोलेंगे अपने सॉइल। नेक्स्ट सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द डेनुडेशन ऑफ द रॉक्स। मतलब सॉइल किसकी वजह से होता है? रॉक्स के डेनुडेशन से। द रॉक्स इज अ एंड इरोड ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेन, स्नो, एयर, वेजिटेशन एंड इंसेक्ट्स एंड इट्स टर्न्स इन टू पाउडर फॉर्म्स। मतलब कि जो रॉक का जो सरफेस है वो टूटता है मतलब वो किसकी वजह से टूटता है, कभी टेम्परेचर की वजह से, रेन, स्नो, एयर, वेजिटेशन, इंसेक्ट्स, ठीक है, उसको जो उसकी वजह से टूटने के बाद वो पाउडर जैसा हो जाता है उसको, और उसको पाउडर फॉर्म्स जमीन के ऊपर लेयर बन जाते हैं उसको अपने बोलेंगे, उससे मतलब क्या बनती है, सॉइल। इन दिस लेयर देर आर अ ग्रेवल्स, स्मॉल स्टोन्स, पेबल्स, सॉइल्स पार्टिकल्स एक्सेट्रा। सॉइल इन इंडिया में अलग अलग टाइप की, सिक्स टाइप्स की सॉइल है। कितने टाइप की है? सिक्स टाइप्स की। एल्यूवियल सॉइल्स, सेकंड ब्लैक सॉइल्स, थर्ड रेड सॉइल्स, फोर लेटराइज सॉइल्स, माउंटेन सॉइल्स एंड डेजर्ट सॉइल्स। इसके बारे में अपने डिटेल्स में पढ़ेंगे, उससे पहले अपने मैप में थोड़ा देख लेते हैं। ये मैप में जितना भी येलो पार्ट्स हैं दिख रहे हैं तुमको, जितना भी येलो पार्ट्स हैं वो कौन सा सॉइल है? एल्यूवियल सॉइल है। लाइट पिंकेज जो पार्ट्स हैं बेबी पिंक जैसा, वो कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल। रेड जैसा जो तुमको पार्ट्स दिखता है स्टूडेंट्स वो कौन सा है? रेड सॉइल। ग्रीन पार्ट्स हैं वो लैटराइट सॉइल्स। ब्राउन जैसा है जो ऊपर है जम्मू कश्मीर की तरफ, वो कौन सी सॉइल है? माउंटेन। एंड जो स्काई ब्लू कलर से गुजरात के ऊपर वाले हिस्से में, वो कौन सी तुम्हारी सॉइल है? डेजर्ट सॉइल्स। अब सब सॉइल्स के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। उसमें फर्स्ट हो गया एल्यूवियल सॉइल्स। एल्यूवियल सॉइल्स कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट हो गया खांदर एंड सेकेंड हो गया बांगर। द सॉइल फ्रॉम ड्यू टू द फ्रेश एल्यूवियल डिपोजिट इज नो एज अ खादर सॉइल्स। मतलब कि जो सॉइल किससे बनती है? फ्रेश एल्यूवियल डिपोजिट से बनती है, उसको बोलेंगे खादर सॉइल्स। एज द सॉइल इज अ फ्रॉम ड्यू टू द रिवर फ्लड्स इज फाउंड मोस्टली नियर बाई द रिवर्स। ये जो सॉइल है वो मतलब रिवर के फ्लड्स से मतलब कि क्रिएट होती है, और ज़्यादातर तुमको खादर सॉइल तुमको रिवर के आसपास तुमको देखने को मिलेगी। जनरली सच सॉइल इज अ सैंडी सॉइल कंटेनिंग ऑल एल्यूमिनियम इन द अपर वैली रीजन ऑफ द रिवर इज कॉल्ड द बांगर सॉइल्स। काफ़ी जो सॉइल है वो कैसे सैंडी सॉइल है, और ये सॉइल के अपर लेयर में एल्यूमिनियम सॉइल्स वैली मतलब होता है जिसको बोलेंगे मतलब बांगर सॉइल। इट इज स्टिकी एंड हैज अ डार्क कलर। ये जो बांगर सॉइल है वो स्टिकी मतलब चिकनी चिपचिपाट वाली, एंड उसका कलर कैसा होगा? डार्क कलर। एल्यूवियल सॉइल इज अ सीन इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के बहुत से पार्ट में, इंडियन कंट्री के बहुत से पार्ट में तुमको एल्यूवियल सॉइल तुमको देखने को मिलेगी। देयर फर्टिलिटी इज ऑल्सो डिफरेंट एट द डिफरेंट प्लेसेस। एल्यूवियल सॉइल अलग अलग प्लेसेस में उसकी फर्टिलाइजेस कैसी है? डिफरेंट है। जनरली सच सॉइल इज अ वेरी फर्टिलाइज। काफ़ी जो सॉइल है एल्यूवियल सॉइल वो कैसी है? बहुत फर्टिलाइट है। ये अपने को कहाँ पर देखने को मिलेगी? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा में तुमको एल्यूवियल सॉइल तुमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ब्लैक सॉइल इज इंपॉर्टेंट। दिस सॉइल इज अ फाउंड। तुमको ज़्यादातर ये सॉइल कहाँ पर देखने को मिलती है? महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगु एंड तमिलनाडु। ब्लैक सॉइल इज अ गिफ्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। तुमको फील्ड ऑफ ब्लैंक्स में एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कैसी कौन सी सॉइल है
जिसको पेनिनसुला प्लेटो के गिफ्ट के नाम से जाना जा सकता है। तो तुमको आंसर इज अ ब्लैक सॉइल। मतलब ब्लैक सॉइल जो है वो पेनिनसुला प्लेटो की अपने को एक गिफ्ट है। दिस सॉइल इज अ वेरी स्टिकी एंड द फर्टिलाइट। ये जो सॉइल है एकदम स्टिकी मतलब चिपचिपाट वाली और फर्टिलाइट सॉइल है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स एंड इज अ वेरी यूजफुल टू द कॉटन क्लेविटेशन। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं उससे मतलब वो क्रिएट होती हैं और वो जो कॉटन जो क्रॉप्स होते हैं उसके लिए बहुत यूजफुल है। कॉटन उगाने के लिए बहुत यूजफुल है। डेट इज़ वाई इट हैज़ द बिकॉम फेमस ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। ये जो सॉइल में कॉटन ज़्यादा ग्रो होने की वजह से उसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो नो एज अ रिगार सॉइल। इसको ब्लैक सॉइल को रिगार सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स तुमको MCQ में या किसी में आ सकता है कि कौन सी सॉइल को रिगार सॉइल के नाम से जाना जा सकता है, तो उसका आंसर है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट रेड सॉइल। सच सॉइल इज अ फाउंड इन रीजन ऑफ द इग्नियस एंड द मेटापॉटिक रॉक्स। ये सॉइल तुमको ऐसे रीजन्स में तुमको मिलेगा जहाँ पे इग्नियस एंड मेटापॉटिक रॉक्स ज़्यादा है। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द इट्स फॉरेस्ट एंड द अदर ह्यूमन कंटेंट्स। ये जो रेड सॉइल है उसको कलर कैसा है, रेड है। उसका रीजन क्या है कि इसके अंदर क्या है, फॉरेस एंड द अदर ह्यूमन कंटेंट्स है। द सॉइल इज अ फॉरेस एंड द फर्टिलाइट। सच सॉइल इज वो तुमको कहाँ पे देखने को मिलेगी, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड। नेक्स्ट लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल इज अ डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव इरोशन बाय द रेन ड्यू टू हैवी रेन। लैटराइट सॉइल किसकी वजह से डेवलप होती है, ऐसा एरिया जहाँ पे बारिश कैसी होती है, हैवी होती है, और हैवी होने की वजह से उधर की मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे खिस हट जाती है, उसकी वजह से लैटराइट सॉइल क्या होती है, डेवलप होती है। स्टूडेंट्स इरोशन, सॉइल इरोशन मतलब कि मिट्टी एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे हट जाना, मतलब लैटराइट सॉइल का डेवलप कहाँ पे होता है, हैवी रेन की वजह से। जो अपर पार्ट्स की क्या कहें कि मिट्टी है वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे हट जाती है, उसे लैटराइट सॉइल क्या होता है, डेवलप होती है। इट इज़ अ लेस फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी में कैसी है, कम है। द रेड सैंडस्टोन्स कंटेन आयरन एंड एल्यूमिनियम। इसमें जो रेड सैंडस्टोन है और उसमें जो आयरन और एल्यूमिनियम उससे लैटराइट सॉइल्स क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। द इरेशन ऑफ दिस रॉक्स रिजल्ट्स इनटू दिस रेड कलर। उसके ये इरेशंस की वजह से मतलब कि जो रेड स्टोन्स हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम उसके रेड स्टोन के अंदर जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, और रेड सैंडस्टोन्स की वजह मिट्टी एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर हट जाती है, उसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है, रेड। ये सॉइल तुमको देखने को कहाँ पे मिलेगी, माउंटेन रीजन ऑफ डेक्कन, कर्नाटका, केरला, ओडिशा और सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ एंड ईस्ट। नेक्स्ट हो गया माउंटेन सॉइल। ह्यूमन्स कंटेंट इज द मोर ड्यू टू द फॉरेस्ट इज अ डिफर्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। इंसान की काफ़ी जो कंटेंट्स है वो फॉरेस्ट में अलग अलग प्लेस टू प्लेस तुमको देखने को मिलेगी। सच सॉइल ऑन सी वैली का रेंज इज अ लेस फर्टिलिटी एंड द लेस डेवलप। माउंटेन सॉइल ज़्यादातर तुमको कहाँ पे देखने को मिलेगी, सी वैली का रेंज में, और ये सॉइल लेस फर्टिलिटी एंड लेस डेवलप है। सच सॉइल इज फाउंड इन द माउंटेन रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये माउंटेन सॉइल तुमको ज़्यादातर माउंटेन रीजन, जो माउंटेन वाला जो एरिया है वहाँ पे तुमको देखना ज़्यादा मिलेगी। सच एज अ ज़्यादातर उसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, एस्टर्न हिल रीजन्स, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर स्टेट, वहाँ पे तुमको माउंटेन सॉइल इजीली सीन हो सकती है। नेक्स्ट डेजर्ट सॉइल। सच सॉइल इज अ फाउंड इन द अरेड एंड द सेमी अरेड रीजन्स ऑफ गुजरात। काफ़ी जो डेजर्ट सॉइल्स हैं वो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, गुजरात में, जैसे कि राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा में तुमको देखने को मिलेगी। द सॉइल हियर इज अ मोर एल्केलाइन इन द हैज लेस ह्यूमन कंटेंट्स। डेजर्ट सॉइल्स में एल्केलाइन ज़्यादा होता है और ह्यूमन कंटेंट्स क्या रहता है, कम रहता है। एग्रीकल्चर हैज़ बीन मेड पॉसिबल इन सच सॉइल ओनली थ्रू इरीगेशन। डेजर्ट सॉइल में एग्रीकल्चर तो वैसे हो ही नहीं सकता है, पर अगर कहीं जो एरिया में अगर होता है तो वो जब भी पॉसिबल होता है कि वहाँ पे वो सॉइल को मतलब इरिगेशन फैसिलिटी क्या हो, अवेलेबल हो। दैट्स अ लार्ज डाइवर्सिटी इज अ सॉइल ऑफ द नेशन इन द सीन ड्यू टू द डाइवर्सिटी इज अ क्लाइमेट एंड द रिलीफ फीचर्स। स्टूडेंट्स लेसन नंबर 14 कम्प्लीट्स। थैंक यू।